केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। लगभग 20 साल से सिस्टम के धज्जिया उड़ा रहे मेरठ शहर के सपा विधायक रफीक अंसारी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी हाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। कोर्ट का साफ कहना था कि रफीक अंसारी इस दौरान विधानसभा में जाते रहे, लेकिन एक बार भी कोर्ट के सामने पेश होने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। इस अवधि में उनके करीब 101 गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, लेकिन रफीक अंसारी हमेशा इसे हवा में उड़ाते रहे। रफीक को लखनऊ से वापस लौटते हुए बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया था। रात करीब 8 बजे मेरठ पुलिस रफीक को मेरठ ले आई। जिला अस्पताल ले जाकर विधायक रफीक अंसारी का मेडिकल भी मेरठ पुलिस ने कराया है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि कोर्ट के आदेश पर भले ही मेरठ की जिम्मेदार पुलिस रफीक के घर पर गिरफ्तारी के लिए दबिश देती रही, लेकिन वह हमेशा ही फरार पाए गए। यह बात और है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में रफीक अंसारी ने बकायदा अपने परिवार समेत मताधिकार का इस्तेमाल किया था। क्या था यह मामला और क्यों पेश नहीं हुए रफीक अंसारी, और अंत में किन कारणों के चलते शहर विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, इसकी जानकारी उनके अधिवक्ता अमित दीक्षित ने मीडिया को यह दी। देखिए वकील साहब, ये क्या पूरा मामला हुआ है? जो एमएलए हैं यहाँ के शहर के रफीक अंसारी, उनके लिए क्या, कौन से वारंट जारी हुए हैं, कैसे गिरफ्तारी, कब का मुकदमा, क्या पूरी घटना बताइए। 1995 में एक 436/427 आईपीसी में थाना नौचंदी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ मीट की दुकानों पर आगजनी हो गई थी और उन मीट की दुकानों में FIR हुई थी। FIR में रफीक अंसारी नेम नहीं थे। बाद में दौरान इन्वेस्टिगेशन इनका नाम आया था। उसके बाद उसमें चार्जशीट लगा दी गई थी। चार्जशीट लगाने के बाद रफीक अंसारी जी की ना तो चार्जशीट में इन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ना इनके साइन हुए थे उसमें। कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रही, वो पेंडिंग पड़ा रहा बहुत लंबे समय तक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की MP MLA स्पेशल कोर्ट बन गई। जो जो MLA थे उनके केस उस कोर्ट में चले गए, तो उस कोर्ट में ये वाला मुकदमा भी चला गया। वहाँ से फिर हमने इस केस में एंटीसिपेटरी बेल मूव करी थी। एंटीसिपेटरी बेल में हमारी सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो गई थी। उसके बाद एक 482 फाइल की, क्योंकि कुछ एक्यूज का एक्विटल हो गया था इस केस में। एक्विटल वाले के जजमेंट्स को और इनकी प्रोसीडिंग्स को हम लेके हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनका मुकदमा विड्रॉ कर चुकी थी अपनी तरफ से, और विड्रॉ की एप्लीकेशन कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन CPM त्रिपाठी जी ने मूव की थी। उसके बाद हम हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि लंबे समय से वारंट चल रहे हैं। और हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर में एक रिपोर्टेड जजमेंट भी पास कर दिया कि नहीं, जब वो आदमी असेंबली में रोज अपीयर हो रहा है, पूरे अपने प्रोग्राम लगा रहा है और वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, कोर्ट की अनदेखी कर रहा है, इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जस्टिस संजय सिंह साहब द्वारा एक ऑर्डर पास कर दिया गया। उस ऑर्डर के बाद SSP मेरठ को आदेश किया गया था, बाकी कोर्ट्स को भी आदेश किया गया कि भाई जब हाईकोर्ट की फाइंडिंग आई है इस पर विचार करा जाए। उसके बाद इसी प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है। कितने NBW इनके अब तक जारी हो चुके हैं? अब वो एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये तो ध्यान है ही मुझे कि लगभग 20-22 साल से वारंट जारी है। 100 के आसपास बताया जा रहा है। नियर अबाउट है। अच्छा, क्या, लेकिन फोर्स उनके घर पे नहीं गई, पुलिस उनके घर पे नहीं गई। पुलिस ने उनके वारंट तामील करने का ड्यूटी UP पुलिस की थी। अब अगली क्या आपका कदम है? अब आएंगे, उन्हें जब पेश करेंगे कोर्ट में, बेल मूव करेंगे, फिर बेल कंसिडर हो जाएगा। आपका क्या नाम है? अमित कुमार दीक्षित नाम है मेरा। मैंने ही बेल आर्ग्यूमेंट की, मैं मेरठ बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी। अच्छा, ये अभी तक पेश ही नहीं हुई? एक बार भी पेश? कभी ने कोर्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फर्स्ट टाइम हमने जो है मेरठ में चुनाव 6 मई को था, मेरठ में विधान लोकसभा 6 मई को था, उससे 4 दिन पहले हमने बेल मूव करी थी पहली बार, जब इन्हें इन्फॉर्मेशन वारंट की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।